पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पर राय जरूर जाननी है, लेकिन आखिरकार एक एक्सपर्ट की मतलब आज हमारे अगर हम कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं और डिफेंस की बात करते हैं उस पर कमर आगा जी, सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार के जो इनिशिएटिव्स है, पीओके पर जो लगातार रणनीति हुई है सरकार की, आपको लगता है सही दिशा में स्टेप लिए जा रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इसके दो अंग हैं अगर देखा जाए भारत की जो पॉलिसी रही है। पहले दो साल मोदी जी की जो पॉलिसी थी वो थी कि बातचीत, पीस, फ्रेंडशिप, जो बहुत दिनों से चल रही थी, पिछले 10-15 साल से चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की डे वन से, जिसमें शरीफ प्राइम मिनिस्टर शरीफ जी को भी बुलाया गया, बातचीत शुरू हुई, पहले ही दिन ये बात हुई। लेकिन उसका हम दो साल तक इंतज़ार किया गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, मीनिंगफुल नतीजे में क्या निकला, पठानकोट निकला, कश्मीर में हालात बिगड़ते गए, दूसरी तरफ यू नो हमने देखा कि जिस तरीके से पंजाब के कई शहरों में अटैक हुआ, गुरदासपुर में, पठानकोट में, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में लगातार, फिर उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश में भी ये कोशिश कर रहे हैं, बंगाल इमारेट्स बनाने की बातचीत हो रही है जिसमें वेस्ट बंगाल और आसाम और दूसरे प्रांतों पे अटैक होगा, और वहाँ पे जिस तरीके से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही थी और जो पाकिस्तान की जिनको सीधी सपोर्ट थी, जिसका की शिकायत पहले बांग्लादेश ने की, तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ दूसरा फेज़ शुरू हुआ जिसके अंदर ये हुआ कि भाई बातचीत से लगता है कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, एक ही रास्ता बाकी बचता है कि वी शुड बिल्ड अप ए प्रेशर। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक मुझको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसमें वार की बात की जा रही हो। अभी भी यू नो उन्हीं ने वार के बाद नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर। अगर आप आज देखिए जो फॉरेन सेक्रेटरी ने जो की जो मीटिंग के बारे में बात हुई तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर मीटिंग हो जाएंगे जरूर वहाँ पाकिस्तान, लेकिन टेरर पे बात करेंगे, तो टेररिज्म पे बात करेंगे, जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग भी कंडीशन जो टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है और कोई एंड नजर नहीं आता। पहले बातचीत हम लोग करते थे, हमको एक स्टेज पे लग रहा था कि सियाचिन और सरगरीक का मसला हल हो जाएगा, लेकिन बॉम्बे ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे 26/11 हो गई और सारी बातचीत खत्म हो गई। आगे कदम बढ़ाए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ बैकस्टैबिंग होती है। मेहतरार, आप कह रहे हैं कि बातचीत से रिजॉल्व मैटर होना चाहिए, लेकिन जब इसी तरह से इंसिडेंट बाय इंसिडेंट होते रहेंगे, अभी श्रीनगर में जिस दिन हमारा 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे था उस दिन हमला होता है, आखिरकार बातचीत से राह कब तक आगे कब तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि बातचीत का समय तो गया लगता है, क्योंकि कुछ कोई मानने को तैयार ही नहीं। असल में मैं एक बात पे हैरान हूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे और आपके दरमियान में जो इशू है वो कश्मीर है। हम आप कहते हैं टेररिज्म के बारे में बात कर रही हैं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। पाकिस्तान को आपका एक एक जो केस है जिसमें पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान शुड डू समथिंग अबाउट इट। बट आप लोगों का ये कहना कि कहाँ ही पे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में, ए बी सी डी जहाँ पे जो हो रहा है उनका कोई इंडिजिनस रूट्स नहीं और सब कुछ पाकिस्तान का, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर एंड टोटली काउंटर प्रोडक्टिव। अभी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स इट इज द बांग्लादेश गवर्नमेंट, दे आर क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान। तरार जस्ट वन सेकंड, फॉर्मेटिंग ट्रबल एवरी अदर कंट्री। तरार वन सेकंड, बांग्लादेश अकेला नहीं है, अफगानिस्तान भी यही बातें कर रहा है और हम भी यही बात कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दिल्ली आए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। उन्हीं ने अभी जो प्रेस स्टेटमेंट दिया उसमें भी यही कहा है, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी अकेली नहीं है, बांग्लादेश की भी है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी यही बात कर रहा है। जी, मेहतर आप लोग तो कहते हैं कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तानी कर रहे हैं, आप वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं आप कह रहे हैं उनको आप उनको भी बेइज्जती उनकी कर रहे हैं, जिनको आप अपने लोग कहते हैं आप उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू योर ओन पीपल जिनको आप अपने लोग कहते हैं। सो अलाउ मी टू फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के देयर इज नो अदर ऑप्शन। दुनिया में जितनी बड़ी लड़ाइयां थी हिरोशिमा और नागासाकी से शुरू होके इराक और अमेरिका हो गया, ईरान और अमेरिका हो गया, सीरिया, लिबिया, लेबनान, दुनिया की हर जगह पे जहां पे ब्लडशेड है, नथिंग विल एवर चेंज अनलेस पीपल स्टॉप
being hostile to one another and start talking. It's as simple as that. How long you want us to keep waiting for the talks? नहीं, वन सेकेंड मेयर, मेयर आप कितने चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्दाश्त करता रहे? एक मिनट, आपके हिसाब से कोई सीमा होगी? एक सेकेंड मेयर, आज भी फॉरेन सेक्रेटरी ने यही कहा कि बातचीत हो सकती है, लेकिन बख्शी सर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास दो एक मिनट में आ रहे हैं आपके पास। जी, आज भी ये बातचीत हुई कि बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले मुद्दा जो है दो तीन शर्तें हैं। पहले कि एक तो ये कि दहशत और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए दहशत पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सीमा रेखा है यानी हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके रिस्पेक्ट पाकिस्तान को करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो कैंप्स वहाँ पे चल रहे हैं, शिविर जिनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे मिलिटेंट्स के, वो बंद होने चाहिए, और जो लोग 26/11 में इन्वॉल्व हैं, जो खुलेआम वहाँ पे घूम रहे हैं, उन पे पाकिस्तान उनके उनके खिलाफ कम से कम केस तो चलाना शुरू करे। हमने इतने डोसियर दिए, इतनी बातें की हैं, हम लोग आज भी चाहते हैं, आज भी ये कहा गया। जी डी बख्शी सर, आप कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान का हाल वही है, ढाक के तीन बात को सुधरने वाले नहीं है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहना है। जी सर, जी डी बख्शी सर, देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों से तकरीबन एक कंसेंसस सा आ रहा था कि स्टेटस को फ्रीज किया जाए और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको जो है इररिलेवेंट बना के इसी के बेसिस पे सेटल कर लिया जाए दोनों देशों का। जो हाल में आपने कहा है पाकिस्तान ने और जो पाकिस्तान की ने किया है, हमें उससे बड़े अफसोस के साथ यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने हमने पीस के एफर्ट्स किए हैं उसे हमारी कमज़ोरी समझकर आपकी डीप स्टेट, आपकी फौज और आपकी ISI आज एंटे को अप कर रही है। लगता है चीन का सपोर्ट पाकर आपकी फौज फिर से मिसकैलकुलेट करने वाली है। मेहर तरार जी, याद रखिए, तकरीबन हर वॉर आपने इनिशिएट करी है, आपकी फौज अपने आप को ओवर एस्टिमेट करती है, बहुत सब्जेक्टिव उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, एडवर्सरी क्या करेगा कभी वो फैक्टर इन नहीं करती। चीन का सपोर्ट लेके आपका डीप स्टेट फिर हुंकारे भर रही है और स्टेटस को के बदले वो जो है हमारा कश्मीर का हिस्सा मांग रही है, स्टेटस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब भी ऐसा हुआ है लड़ाई हुई है, और मुझे तो हैरत है कि आप कैसे सोच सकते हैं कि इस बार बगैर लड़ाई के आपको कश्मीर मिल जाएगा। जी मेहर जी, पाकिस्तान में तो एक बस, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन लास्ट थिंग, आप लोग जो ये टीवी पे सुनते हैं, आई कैन एक्चुअली टॉक टू 10,000 पीपल एंड मैं उनकी रिकॉर्ड करके कॉन्वर्सेशन आपको सुना सकती हूँ। ना लोगों के दिमाग में कश्मीर है, लोगों के अपने इश्यूज हैं, बिजली का है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, खाने का खाना अच्छा मिलना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन, पीपल डोंट टॉक अबाउट कश्मीर, वॉट यू सी इज जस्ट ऑन टीवी एंड पोलिटिकल बम्बास। आप कह रहे हैं कि सांबा अटैक टीवी पे हुआ? पीपल लुक एट कश्मीर, ऑफ कोर्स कुछ लोग इस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं, बिकॉज़ सम पीपल लाइक टू सी द हॉस्टिलिटीज ग्रो बिटवीन द टू कंट्रीज, और वो चाहते हैं कि ये बिजनेस चलता रहे, वॉर का बिजनेस। बट आपकी गवर्नमेंट, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी विद मैम। कश्मीर के नाम पे लाखों लोग रैलियों में आते हैं। Does their voice matter? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की फौज की चलती है मैडम। नहीं हुआ ना, यमन में भी नहीं गए ना, सऊदी अरेबिया की मदद करने नहीं छलांगे मारते हुए चला गया ना। पाकिस्तान will not get into any kind of war with any country. Pakistan knows that. Pakistan की इतनी capacity है ही नहीं. Pakistan is already. ये जो आपको समझ में आ रहा है वो आपके फौज को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये आपके गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? Why they are fomenting trouble in Kashmir? Why they are radicalizing the youth of Kashmir? और war कौन करेगा? नहीं, आप ये बताइए कि तो ऐसे आपके प्रधानमंत्री इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि वह श्रीनगर में अपना वो झंडा फहराएंगे? हम कश्मीर लेंगे, मैंने तो सवाल बट ही है।